एसडीआरएफ ने आज अपनी मानसून पूर्व की तैयारियों को परखा और अजमेर के आनासागर झील में मॉक ड्रिल किया। आनासागर के टापू पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ के गोताखोरों ने पानी में कूदकर लोगों को बचाने का प्रयास किया। उसके अलावा पानी में डूब रहे लोगों को किस तरह बचाया जाता है, पानी में डूब चुके व्यक्ति को किस तरह निकाला जाता है, साथ ही किस तरह की प्राथमिक उपचार मरीजों को दिए जाते हैं, उन सभी तैयारियों को परखा गया। एसडीआरएफ अधिकारी राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्री मॉनसून को लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉनसून को लेकर अजमेर जिले में लगभग 20 लोगों की टीम को रखा जाएगा, जिससे कोई भी आपात की स्थिति में उस पर काबू पाया जा सके। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी में डूबे हुए कई लोगों को भी समय रहते हुए बचाया गया और उनको प्राथमिक उपचार एसडीआरएफ की टीम द्वारा दिया गया। ये प्री मानसून की तैयारी है हमारे एसडीआरएफ की तरफ से। इसमें हम मानसून आने के दौरान कहीं पे बाढ़ और ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब बाढ़ की ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है, कोई लोग कहीं फंस जाते हैं बाढ़ के अंदर, उनको बचाव के लिए पूरा अभ्यास था। इसमें हमारे साथी इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह जी, सब इंस्पेक्टर नरेश और सिविल डिफेंस भी हमारे साथ में हैं। हम लगातार इसका अभ्यास करते रहते हैं और इस मानसून सत्र में हमारे पास दो स्कूबा सेट और मिले हमें, एक इसका डीप डाइविंग का कम्युनिकेशन सेट भी मिला हमें, जो कि कहीं पानी में अगर कहीं गहराई में कोई फंस जाता है तो हमारा गोताखोर वहाँ जाता है, बाहर जो ऑपरेटर होता है उसका उससे लगातार संपर्क रहता है और वो संपर्क के अनुसार हमें बता सकता है। ये राजस्थान में नई चीज़ आई है और एसडीआरएफ को अभी हमें प्राप्त हुआ है। ये हमने आनासागर पे ये अभ्यास किया है और इसका हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं।